सर सो अभी अभी आपने देखी धड़क जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी पूरे महीने, सो मूवी कैसी लगी आपको? सबसे पहले तो ये मराठी फिल्म सैराट की रीमेक है हिंदी, तो ये सैराट नहीं है, ये धड़क है, लोगों को ये बात समझनी होगी। और फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे कॉमिक टाइमिंग है, लोगों को बहुत अच्छे लगे, गाने बहुत अच्छे हैं, ईशान खट्टर और जानवी ने बहुत अच्छा काम किया, वो भी लोगों को अच्छा लगा। फिल्म की जो एंडिंग है वो भी सैराट के मुकाबले थोड़ी अलग है, वो भी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। सैराट और धड़क में क्या डिफरेंस है? अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सैराट नहीं धड़क है, तो शशांक ने इस बात को ध्यान में रखा कि वो सैराट नहीं बना रहे बल्कि सैराट पे आधारित एक फिल्म बना रहे, तो उसमें उन्होंने चीज़ें वहीं से ली हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम रखी हैं, लेकिन कह सकते हैं कि आप 20% या 30% उन्होंने अपना सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए कुछ नई चीज़ें ट्राई की। अगर जानवी की डेब्यू मूवी है, उस हिसाब से उनका कैसा था, मतलब उनकी एक्टिंग कैसी थी डेब्यू के हिसाब से? जानवी के अंदर एक्टिंग का पैशन दिखता है, और ये भी पता चलता है कि बॉलीवुड में एक बहुत जल्द बहुत बड़ी एक्ट्रेस का डेब्यू इस फिल्म के जरिए हो गया है, उनके लिए बॉलीवुड में वेलकम है एंड बेस्ट ऑफ लक टू हर फॉर दैट। और श्रीदेवी डांसिंग के लिए जानी जाती थी, उनके डांसिंग और एक्सप्रेशन के लिए दुनिया उनकी दीवानी थी, उस मुताबिक क्या जानवी कपूर श्रीदेवी के लेवल तक कहीं किसी भी हद तक पहुंच पाएगी? दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि दोनों भी दो अलग अलग इरा की एक्ट्रेस होंगी, और मुझे लगता है जानवी ने भी बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा काम करेगी, और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। अगर आपको मूवी को स्टार्स देने होंगे तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? मैं इसको 3 स्टार दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर अभी अभी आपने देखी मूवी धड़क जो पूरे महीने काफी ज्यादा चर्चे में थी, सो मूवी देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, कैसी है मूवी? हाँ, तो अगर ऑल बाय इटसेल्फ अगर फिल्म देखेंगे तो धड़क जो है वो बहुत ही मतलब हार्ड हिटिंग है सब्जेक्ट, इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन सैराट से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है उसमें शायद थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन आ सकता है। और ओवरऑल फिल्म का सेकेंड हाफ का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, और जानवी और ईशान खट्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल और स्पॉन्टेनियस है। अब ये सवाल उठता है कि ये जानवी की डेब्यू फिल्म है, तो कंपेयर टू श्रीदेवी जानवी का परफॉर्मेंस कैसा है? तो जानवी ने बहुत अच्छा स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि लोग यही उम्मीद रख के जाएंगे कि श्रीदेवी की बेटी है तो उसने किस तरह से परफॉर्म किया, तो वो हिसाब से शी कम्स अप टू द लेवल। क्योंकि क्या है कि फर्स्ट फिल्म है तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके रग रगों में एक्टिंग दौड़ रहा है, और मैं आउट ऑफ 5 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। और म्यूज़िक थोड़ा और अच्छा होता तो मुझे लगता है कि फिल्म की रिपीट वैल्यू होती है, चूँकि वो जिंगाट का गाना रिमिक्स करके उन्होंने ऐड किया है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ नए गाने और ऐड होते तो शायद रिपीट वैल्यू की गुंजाइश हो सकती। धड़क का टाइटल ट्रैक कैसा लगा? धड़क टाइटल इज वेरी गुड, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और उसको जस्टिफाई करने के लिए इंटेंसिटी या इमोशनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी। तो ओवरऑल द फिल्म इज ओके, मतलब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन जाओगे तो द फिल्म इज गुड, बट विद एक्सपेक्टेशन जाओगे तो यू माइट फील द फिल्म इज नॉट अप टू द मार्क, जो एक जो हाइप के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन। ओके, थैंक यू सो मच। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उदयपुर और कोलकाता की जो जो दोनों शहर जो इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो दोनों शहरों को बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी में कैप्चर किया है, जो मैं समझता हूँ कि लोगों को जिनको शौक है मतलब शहरों का जो एक कल्चर आर्किटेक्चर वो बहुत अच्छा मतलब उन्होंने हाईलाइट किया। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर अभी अभी आपने मूवी देखी धड़क जो इस पूरे महीने काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी, तो मूवी देखने के बाद मूवी कैसी लगी? अभी अभी मैंने धड़क देखी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री में आई कैन से आफ्टर सीइंग द एक्टिंग ऑफ दीज टू न्यू कमर्स जो
ईशान खट्टर है और जानवी कपूर, कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में नए एक्टर्स का जन्म हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और नए स्टार्स का जन्म हुआ है। जानवी के एक्सप्रेशन अच्छे हैं, उनका जो प्रोनंसिएशन है जो राजस्थानी, उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत थी। उसके अलावा ईशान खट्टर ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, खड़े उतरे हैं अपनी रोल में। और मैं कहूँगा कि जो पुरानी, जैसे कि हम कहेंगे जो रीजनल फिल्म थी हमारी सैराट, उसका ये रीमेक कहा जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसे रीमेक हम नहीं कह सकते। आई कैन से अराउंड 65% इज अ रीमेक एंड 35% जो है एक अलग कंटेंट है। शशांक खेतान जो डायरेक्टर फिल्म के, उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और जो फिल्म है पैन इंडियन ऑडियंस के लिए, पैन इंडियन ऑडियंस के लिहाज से मतलब हर किसी को पसंद करेगा, हर किसी को ये टच करेगा, क्योंकि आप चाहे वो ईस्ट में हो, वेस्ट में हो या नॉर्थ में हो, हर कोई इसे पसंद कर सकता है। सो आई कैन से दिस इज़ गुड मूवी, ओवरऑल गुड मूवी एंड वेरी गुड अटेम्प्ट, एंड आई अर्ज टू एवरीवन दैट दे शुड गो टू वॉच द फिल्म। जिंगाक सॉन्ग सैराट से लिया गया था, सो जिंगाक सॉन्ग का जो डांस परफॉर्मेंस था कितना डिफरेंट था सैराट से एंड धड़क से? जो पहला जो जिंगाक सॉन्ग था वो ऐसा लगता था कि मतलब इम्प्रॉम्प्टू है, ठीक है, लेकिन ये जो सॉन्ग है, हाँ ऑफकोर्स सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से ये जो सॉन्ग है, जो हिंदी सॉन्ग है, इट्स बेटर सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से, लेकिन जो मज़ा है, जो चार्म है, वो पुराने गाने में बेटर है। ओके, अगर आपको पूछा जाए आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3 स्टार। ओके, थैंक यू सो मच सर।